गाइस ये भी एक सनराइज देखने का पॉइंट है। देखिए हमें यहाँ पर 4 बजे आना होगा सनराइज देखने के लिए। ये शुभम दादा, मैं आज इनका ही फोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ। और यहाँ फोटो शूट हो रही है। तो गाइस इसके बाद हम जाएंगे बोटिंग करने और आपको दिखाएंगे उसका नज़ारा। तो चलिए चुके हैं होम स्टे। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारा ये होम स्टे का रूम्स और ये कितना चीप है ये भी पता करते हैं और जानते हैं इस होम स्टे का मालिक से। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार, तो मैं आया हूँ अंतु, ये मेरा लगभग 7th व्लॉग है। तो आज मैं जानूंगा आपसे ये रूम का प्राइस कितना है। रूम का इसका प्राइस नेपाली में 1000 रुपीज पड़ेगा, मोटा मोटी इंडियन करेंसी में 625 रुपीज पड़ेगा इस रूम में। इसमें 4 आदमी भी बैठ सकता है, आराम से 2 आदमी बैठ सकता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो मैंने 4 भी मैंने बैठ सकता है। यही रेट है इसका। यहाँ पर बेड तो 2 है देख सकते हैं गाइस, और यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए पूरा बंदोबस्त किया है। यहाँ पर देखिए वेस्टर्न टॉयलेट, पर नेपाली लोग के लिए ये पैन वाला, और ये फॉरेन कंट्री से आएंगे तो ये वेस्टर्न। तो चलिए हम दूसरा रूम देखते हैं। हम आ चुके हैं ये रूम। ये रूम बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ का बेड। तो इसका प्राइस कितना लगेगा? इसमें पर हेड 200 रुपये एनसी लगेगा। एक आदमी सुतेगा तो 200 रुपये, अब 4 आदमी से 800 रुपये, 5 आदमी सुतेगा 1000, अब 7 आदमी 1400 रुपये ऐसे लगेगा। होल रूम रिजर्व, और होल रूम रिजर्व लेगा तो 1000 रुपये मिल जाएगा। ओ, बहुत चीप है और बहुत अच्छा भी है ये होम स्टे। थैंक यू आपको। थैंक यू गाइस, मैं लेने जा रहा हूँ लूमड़ी का दारू, ये आप देख सकते हैं। तो मैं बड़ा से पूछता हूँ, ये दारू किससे बना है? लोमड़ी का क्या मांस यूज हुआ है यहाँ? हाँ, ये लोमड़ी का मांस भी यूज हुआ है। अब और इसमें क्या है, जितना भी हिमालय रेंज में जितना जड़ी बूटी मिलेगा वो जड़ी बूटी भी इसमें इंक्लूडिंग करके ये शराब बनाया है। ये बहुत अच्छा रहेगा स्वास्थ्य, मैंने हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये खाने से जो शरीर में कुछ दर्द होगा ना वो सब कम हो जाएगा, उसका मैंने ठीक हो जाएगा। इसमें जैसे यहाँ मिलेगा वो पाखन बेद, हड़चूड़, बुड़ोखती, बनमुला, हड़जोड़ा, सिर टिमूर, बोके टिमूर, खनकपा, ये हर्रो, बर्रो, पिपला, अमला, गाई खुरे, मनपा, ऐसे जो यहाँ हिमालय के गोद में जो मिलता है जड़ी बूटियाँ वो भी इंक्लूड करके ये शराब बनाया है। ये शराब आपने घर पर ही बनाया है? नहीं, थोड़ा दूसरे आदमी बनाता है और वो हम लोग को सप्लाई देगा।
यही पीने के लिए बहुत दूर से भी आदमी टूरिस्ट लोग आ जाएगा यहाँ। इसका प्राइस कितना है? अभी मान लीजिए इंडियन करेंसी 200 रुपए आईसी पर बोतल, एक बियर बोतल का 200 रुपए आईसी पड़ेगा। तो दूसरा दारू भी आपको मैं दिखाऊंगा, वो भी तो गाइस ये दारू बना है कीवी से, तो इस पर क्या क्या इंक्लूड है ये बनाने? इसमें तो दारू का जो बनाने सिस्टम है वही सिस्टम से बनाएगा, जैसे मर्चा बोलते हैं हम लोग वो तो डालता है, लेकिन जो एक फ्रूट मिलता है कीवी का फ्रूट, और वो कीवी का फ्रूट को से इसको बनाता है, इसको बोलता है कीवी का वाइन बोलता है। ये ज़्यादातर लेडीज लोग खाता है। अभी एक 1.5 महीना हो गया इसका लॉन्च हुआ है, हम लोग ने मोटा मोटी 40 लीटर अभी 1 महीना के बाद में 40 लीटर हम लोग ने एक बेच दिया है, मैंने उतना अच्छा है। इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस 1000 रुपये एनसी, मैंने 625 रुपये आईसी पड़ेगा एक बोतल का, ये वाइन का बोतल का एक बोतल का 625 रुपये आईसी 1000 रुपये एनसी में बिकता है, बहुत अच्छा से बिकता है। तो ठीक है गाइज, हम कस्टमर है ये जो इसको खरीद कर ट्राई किया उनसे बात करते हैं। क्या एक्शन? तो लीजिए मैडम, आपको ये वाइन ये दारू कैसा लगा? भाई ये वाइन तो बहुत ही बढ़िया है, मैं तो कहूँगी अंतु रिसोर्ट में आके आपको ये कीवी का वाइन ज़रूर ट्राई करना चाहिए, इसके लिए तो आपको यहाँ एक बार आना ही चाहिए। सो ये बहुत टेस्टी है, एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। और आपको इसका प्राइस कैसा लगा? और प्राइस भी जिस हिसाब से इसका टेस्ट है उस हिसाब से प्राइस तो बहुत ही अच्छा है, सस्ता है और बहुत अच्छा टेस्टी है, तो एक बार तो आपको आके यहाँ पे ट्राई करना ही चाहिए। और ये मौसम में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मैं बोटिंग करके आया हूँ, अभी यहाँ पर आप सब देख रहे हैं ये टी गार्डन बहुत अच्छा है, यहाँ पर पत्ती भी उग रही है। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद जय भारत।